इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आसार मकदम है। आज का है मौजू, देशद्रोही ही आजकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का, लिहाजा इन्हें सवाल कौन करेगा। भारत में एक नई रस्म, नया रिवाज आम होता जा रहा है, खुद देशद्रोही रहो और दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछो। खासकर सत्ता से सवाल पूछोगे तो तुमने जुर्म अजीम किया है, लिहाजा तुम्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी या अरबन नक्सली कहा जाएगा और दीगर अलकाब भी है जिनसे आपको पुकारा जाएगा। पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता तो धर्म ईमान बनता जा रहा है, लिहाजा रिपब्लिक टीवी के मुद्रेला यानी एडिटर इन चीफ जनाब अर्नब गोस्वामी अब कटघरे में खड़े किए जा चुके। इन पर इल्जाम है कि बालाकोट हमले की जानकारी पहले से ही थी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सादिक सीईओ पार्थ दास गुप्ता से व्हाट्सएप के जरिए बालाकोट हमले की 3 दिन पहले ही मालूम दी थी, जिसके 500 से भी ज्यादा व्हाट्सएप के प्रिंट जमा किए गए। टीआरपी हासिल करने के लिए फौज की इतने अहम खबर अर्नब गोस्वामी तक किसने पहुंचाई थी? आखिर बालाकोट हमले की खबर तो खुद फौज के आला अफसरों को मालूम नहीं रहती, तो फौज की खुफिया जानकारी टीवी चैनल को सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए कौन देता है? देश के साथ गद्दारी के बराबर है तो इससे कौन ये गद्दारी कर रहा है? लिहाजा मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पर संजीदगी से तहकीक करनी शुरू की है। बालाकोट हमले के पहले 3 दिन अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब पार्थ दास गुप्ता ने कहा कि क्या दाऊद के बारे में है, तो अर्नब गोस्वामी ने कहा नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार बड़ा हमला होने वाला है। तो उस पर पार्थ दास गुप्ता कहते अच्छा, 23 फरवरी 2019 की ये व्हाट्सएप चैट है, 3 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना यानी एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान के बालाकोट पर हमला किया गया था। काफी इल्मी दानिश्वरों ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया है कि खुफिया फौजी कार्रवाई की जानकारी को अर्नब गोस्वामी तक किसने पहुंचाया। विपक्ष ने इस पर कार्रवाई की मांग की है क्योंकि ये तमाम मुल्क के तहफ्फुज का मामला है। मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से दफा 370 को हटाया था, इसकी भी जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से ही थी। बीआरएसी के साबिक सीईओ पार्थ दास गुप्ता को व्हाट्सएप चैट के जरिए इस बात की भी इत्तला देते हुए कहा था कि इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी को रिपब्लिक टीवी ब्रेक करा है। अर्नब गोस्वामी ने यहां तक बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी यह जानकारी नहीं है, पर मुझे है। वाजा रहे फर्जी टीआरपी मामले की चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर व्हाट्सएप चैट को भी जोड़ा जा रहा है। एक और हैरतअंगेज जानकारी भी है कि रजत शर्मा जो आपकी अदालत से काफी मशहूर हुए हैं, इसको भी किस तरह अर्नब गोस्वामी ने रोका है, इसका भी जिक्र किया है। कहने का मतलब अर्नब गोस्वामी और रजत शर्मा किस कदर मरकजी हुकूमत के करीबी है और चाटुकारिता का गोया मुकाबला लगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी किस कदर जमकर अर्नब गोस्वामी की तारीफ करते हैं। ये भी अहम है कि जो चाटुकार होते हैं वही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मुलाकात या इंटरव्यू करते हैं, दूसरों को तो मौका नहीं दिया जाता। जाहिर है यहाँ दिगर सवाल पूछने की इजाजत भी नहीं होती, तभी तो आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं जैसे सवाल किए जाते हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मईत, आसमान छूती पेट्रोल डीजल के दामों पर सवाल करने के बजाय तुम थकते क्यों नहीं हो, जैसे फिजूल सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। एक बार फिर मीडिया का पोल खुला हुआ है विपक्ष के साथ। अब भारत अर्नब से पूछ रहा है कि क्या मरकजी यानी मोदी हुकूमत इस बात को देश के सामने ला सकेगी कि देश की सुरक्षा से ताल्लुक रखने वाली खुफिया जानकारी आखिर अर्नब गोस्वामी तक किसने दी और कैसे गई। इस चार्ट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें एएस का नाम बार बार लिया जा रहा है कि एएस को मालूम है, क्या एएस को बताया गया है? इसका मतलब कोई एएस नाम का बड़ा राजनेता है यानी कि बड़ा सियासी कैद है जो इसके बारे में तमाम जानकारी रखता है और यही वो मरकजी शख्सियत। आखिर कौन है वो बड़ा लीडर जिसका नाम एएस से आता है? तीसरा सवाल यह है कि आखिर यह कैसा हुआ कि कश्मीर से दफा 370 हटाने की जानकारी भी विपक्ष से पहले अर्नब गोस्वामी को दी गई? क्या मरकजी हुकूमत यानी भारत सरकार इस पूरे मामले की जांच तफ्तीश पर बड़ा कदम उठाएगी क्योंकि मामला मुल्क के तहफ्फुज का है? चौथा सवाल, आखिर वजीर आजम के दफ्तर तक अर्नब गोस्वामी की पहुंच किस हद तक है जो इतनी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी को दी जाती है और रिपब्लिक टीवी को कितना फायदा पहुंचाया जा रहा है?
पांचवा सवाल, फौज के खुफिया जानकारी लीक मामले में क्या मरकजी हुकूमत किसी कमेटी का कयाम अमल में लाएगी? छठा सवाल, आखिर देश की फौज की जवानों की जान खतरे में डालकर कौन है जो मुल्क के तहफुज का सौदा कर रहा है? सातवां सवाल, क्या यह सच है कि साबिक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वजीर राठौड़ ने ये कहते हुए बात को दरकिनार किया था कि सरकारी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अर्णव गोस्वामी को मुफ्त में दिया गया? प्रसार भारती के चीफ को आखिर किस तरह की मदद अर्णव गोस्वामी पहुंचा रहे थे, जिसका जिक्र पार्थ दास गुप्ता ने चैट में भी किया है? और भी कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हुए हैं। वैसे भी पुलवामा पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, पर सवाल पूछोगे तो देशद्रोही वाला मामला देश में चल रहा है, क्या अब देश इसी तरह से चलता रहेगा? कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भारत की सुरक्षा के सौदा करने वाले पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चाहे किसान का मुद्दा हो या चीन का मुद्दा, सरकार में से जिस शख्स ने सरकार हिमायती सहाफी अर्णव गोस्वामी को बालाकोट हमले से जुड़ी जानकारी लीक की है, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। जहां पर उन्होंने इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे परवाह नहीं कि देश के मुद्दे उठाते मैं अकेला रह जाऊं, अब तो राम मंदिर के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जाए, घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने पहले चंदा देते हुए 5 लाख की रसीद काटी है। बुनियादी जरूरतों पर सवाल करने की बजाय किसी और जज्बाती मसले में उलझा जा रहा है। अब तो इस तहरीक को सरकारी तहरीक बनाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर आलमी वबा पर जीत हासिल करने की बात कही जा रही है और करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने की बात कही जा रही है, पर खुद वैक्सीन लगाने से कतरा रहे। ना तो अब तक प्रधानमंत्री ने खुद को वैक्सीन लगाई है और ना ही वजीर दाखिला अमित शाह ने लगाई है। आखिर क्यों कतरा रहे वैक्सीन लगवाने के लिए? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है, क्योंकि इन्हें खुद भरोसा नहीं कि ये टीका कितना असर करता है। अब आवाम की राय यह है कि सबसे पहले टीका लगवाने का काम सियासी कायदे ही करे ताकि आवाम को भरोसा तो हो सके। जब इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वैक्सीन खुद को लगवाई, अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया ने टीका आवाम के सामने, तमाम मीडिया के सामने लगवा लिया है, तो भारत के ही नेता क्यों नहीं? ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए सियासी नेताओं को पहले वैक्सीन ना लगवाने की बात कही, यानी एक तरह से यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप टीका ना लगवाए। करोड़ों सफाई मुलाजिम, आंगनवाड़ी कारकुनान, 1 करोड़ सेहत मोहकमा, कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है, पर इन सबसे अहम शख्स तो देश के प्रधानमंत्री है और खुद 18-18 घंटे काम करते हैं। देश को इनकी जरूरत है, इनके तमाम वजीर, रियासत के मुख्यमंत्री, MLA, MP, ये सभी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स ही तो है। सबसे पहले इन्हें टीका लगवाना चाहिए, वरना आवाम का शक करना जायज हो जाता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।